कंजर्वेशन एरिया। मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पैराडाइज इन इंडिया, ट्रूली 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 इनक्रेडिबल इंडिया, आई कांट गेट ओवर हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। लंदन चले जाते कहीं पर, किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिनके जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ सी पैक के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज्यादा हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज वरिड हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी। वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए, तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़रई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर को, दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, लक्षद्वीप को जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमोट किया है तब से ही जो विदेशी जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए लक्षद्वीप पर जा रहे हैं। भारी भीड़ लक्षद्वीप पर देखने के लिए मिल रही है टूरिस्टों की, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, क्या उनकी थिंकिंग है, चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें। और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। फॉर एग्जांपल ग्वादर में हमने देखा कि किसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लोज डाउन हुए हैं। ये जो परसेप्शन है ये ठीक है या क्या आप समझती हैं कि नहीं, पाक चाइना ताल्लुकात उसी नहज पे हैं, उसी लेवल? एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो है वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। और उन्होंने जिस तरह की कल्पना हमने तो की भी नहीं थी, कल्पना से बाहर उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया। आपके वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए, इन बड़ों बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी जिंदगी क्या, हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, बरसाती डड्डू हमें निकाल लेते हैं, जब बरसात आती है इनको बोटों को होता था, हमें भी मछलियां निकाल। भारत के बारे में आप क्या कहेंगे, लोग उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा उन लोगों से कारोबार है दुबई के अंदर, इंडियन लोगों से इंडियन लोगों से हम माल बाल खरीदते, आयल खरीदते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। एक तो वो कमिटमेंट उनकी ठीक है, वैसे जो हमारे जिसके हत्थे भी पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है, जिसके हत्थे पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है। इंडियंस नहीं भागते, नहीं, 100 में से 1, इधर 100 में से 99, क्योंकि बड़े लेके भाग रहे हैं तो छोटे भाग गए तो क्या फर्क पड़ता है। इंडिया के किसानों को कितनी वो मिल रही है, सहूलतें मिल रही है, इंडिया हमसे कितना आगे है? इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था, इस दिसंबर को, दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे, सुनना, 10:30-11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया, नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 बजे फिर 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज में बैठाया, 2 बजे फ्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार होके के अपने मुल्क जा रहे हैं, पता चला जी
बीच की पीआई की फ्लैट कैंसिल हो गई है या 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11 बज के 11:15 बजे जो मलेशियन टाइम पे उतरी है। लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहाँ पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहाँ पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। हमने पिछले कुछ जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो हम समझते हैं कि सारे का सारा जो पाक चाइना ताल्लुकात है वो इन दो चीज सिर्फ सी पैक के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि हमने 10 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं चाइना के साथ सी पैक के, लेकिन हमारे इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब कम हो गई है, चाइनीज वरिड हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी, और पाकिस्तान भी जो है वो कोई इतना अब वो उनको वैसे रिसीव नहीं कर रहा, वेलकम कर रहा जैसे पहले कर रहा था। फॉर एग्जांपल ग्वादर में हमने देखा कि किसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लोज डाउन हुए हैं। ये जो परसेप्शन है ये ठीक है, या कि आप समझती हैं कि नहीं पाक चाइना ताल्लुकात उसी नहज पे हैं, उसी लेवल पे हैं जैसे पहले थे? केस स्टडी देखा खित्ते में श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया और पता ये चला कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि वो चाइना ने इतना ज़्यादा कर्जे दिए हुए थे, जो एक इम्प्रेशन था। इन अ सेम फैशन फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि चाइना ने कितने कर्जे दिए हुए हैं। सेकेंड, कई लोगों का कहना है जी कि $30 बिलियन के कर्जे हैं। आपको याद होगा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, साबिक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा दिस इज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कितने कर्जे हैं। ये जो बार बार तासुर दिया जाता है और दिया जाता रहा है श्रीलंका, क्या है कि जी श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया तो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर गया क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे है, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया और वेस्ट के अंदर क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली IMF के ऊपर, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई ये तो डिफॉल्ट कर जाएंगे क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। इस तासुर को चाइना जो है वो ख़त्म कर पाएगा या कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो हम तो बिल्कुल ऑन द एज पे हैं लाइक श्रीलंका, इसको आप इस तासुर को कैसे देखती हैं? क्या ये तासुर बीजिंग में या चाइना में आपने देखा या पाया या उन लोगों से मिलके? तो आपने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो लक्षद्वीप को मालदीव से अब कंपेयर कर रहे हैं कि मालदीव जितना टूरिस्टों के लिए प्रसिद्ध है अब लक्षद्वीप भी टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देश दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज्यादा है। लक्षद्वीप को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमोट किया है घूमने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने समुद्र में गोतक भी लगाए, इसी कारण दोस्तों जो विदेशी पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो काफी ज्यादा लक्षद्वीप में आ रहे हैं और लक्षद्वीप के लोग अब अर्निंग जनरेट कर पाएंगे जिससे दोस्तों उनकी इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश के हित में किसी भी सेक्टर में और किसी भी काम के लिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर रिएक्शन पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके क्या ओपिनियन है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, पाकिस्तानियों को लेकर, लक्षद्वीप को लेकर, मालदीव को लेकर, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।